Hi guys, welcome back to our channel Rugima. So guys, आप लोग की इतनी रिक्वेस्ट के बाद कौन सी ट्रैवल व्लॉग बनाने के रिक्वेस्ट के बाद हम दोनों ने फाइनली सोचा कि ट्रैवल व्लॉग हो जाए और हम गोली की स्पीड से जा रहे हैं ओली। जाएंगे बिना किसी देरी के रोप वे से ओली। गरिमा, हमने खरीदने रबर बूट्स। रबर बूट्स हाँ, खरीदने हैं। वही मैं देख रही थी। बहुत ठंड है गाइस। तो बैड न्यूज़ सैड न्यूज़ की हम दोनों यहाँ पे ऊपर रोप वे पे आए हैं। हमें यहाँ आके पता चलता है कि टिकट काउंटर क्लोज हो चुके हैं। ओली इसलिए हुए क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रखा है, कुछ इशू हो रखा है, तो रोप वे चल नहीं रही है। सिर्फ वही लोग जा पा रहे हैं जिनको अपने होटल रूम बुक है और वो मॉली में। और जिन लोगों ने प्री बुकिंग कराई हुई थी, हम लोगों ने नहीं कराई थी, ऊपर नहीं रुक रहे। हमारा आज कौन सा हमें कैंसिल हो गया, हम कल दोबारा आएंगे। हमें कल सुबह 6 बजे लाइन करना पड़ेगा, तो शायद हमें टिकट मिले। इतना ज़्यादा मूड ऑफ हो चुका है, नेक्स्ट टाइम हम कहाँ जा रहे हैं। सो हम निराश मन के साथ वापस लौट रहे हैं। लेट्स सी हम कहाँ जाते हैं। पीछे हमारी कार आ रही है, रेस्टोर जा रहे हैं खाने। इतनी भूख लगी है ना, बस सो हमें फाइनली एक रेस्टोरेंट मिल गया है। हम आए हैं खाने। लेट्स सी हम क्या खाते हैं। मिनी तो सैलेड खाना होगा एज यूजुअल। अगर इसने सैलेड या इसके अलावा कुछ अनहेल्दी खाया ना, आज मैं इसको बहुत पीटने वाली हूँ। मैं पूरा अनहेल्दी खाने वाली हूँ, इतनी ठंड है। मेरे साथ आई है ना इसीलिए। चलो गाइस हम खाते हैं, फिर आपको अपडेट देते हैं हम आगे कहाँ जाने वाले हैं। ओके अब हम जल्दी ओली की तरफ। अब हम हाफ वे तक जाएंगे क्योंकि पूरा ओली तक तो जाने नहीं दे रहे, बट जहाँ तक हमें बर्फ मिलती है हम आपको वहाँ पे लेके चलते हैं। ऐसे ऐसे शायद अब आपको दिख रहा होगा ये हल्का हल्का स्नोफॉल होते हुए काफी ज्यादा। अब पहले से ज्यादा अब हो रहा है, बहुत सुंदर है। ये कैप्चर नहीं हो पा रहा है, बट नहीं कैप्चर हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। और आगे रोड ब्लॉक है, हम नहीं जा सकते हैं। बाकी दो लोग अंदर कार में बैठे हैं। नितिन और ये है हमारी नीतू। हम लोग एक्चुअली इन लोग के साथ आए हैं और ये लोग भी ब्लॉग बना रहे हैं। हम लोग भी ब्लॉग बना रहे हैं। एक बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है हम दोनों के बीच में कि लाइक किसका बेटर ब्लॉग है। ये हमारी क्लिप हमारा बेटर है और हम इनकी क्लिप शूट नहीं कर रहे। बहुत लड़ाई चल रही है यहाँ पे। वो लोग वो तो चीज आप लोग बताओगे कि किसका ब्लॉग बेटर है। वाओ मेरा जोश ठंडा हो गया। कि बा नहीं ये चैलेंज मैं आप
आपको अपने व्लॉग में दे चुकी हूँ कि हम लोग साथ में आए हैं और ये लोग भी व्लॉग बना रहे हैं, हम भी व्लॉग बना रहे हैं। बता रहे कौन बेटर बना रहा है, किसका बेटर व्लॉग है। ठीक है, हम लोग साथ में आए हैं, कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, ये कंपटीशन है, हम अपनी क्लिप इनको नहीं देंगे। इन्होंने हमें प्रॉमिस किया था कि यहाँ पे अंधेरा हो गया है और अब हम वापस जा रहे हैं। यहाँ से ओली सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर रह गए, हम कल फिर से आएंगे। तो हम ओली ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ऐसे ऐसे ओली को। ओके गाइस, सी यू, बाय बाय। इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग। गिमड़ू क्या कर रहे हो? गिमड़ू मैं पावर बैंक निकाल रही हूँ, मेरे फोन ऑफ होने वाले हैं। लोग जा रहे हैं चाय पीने, जिस जहाँ हम दिन में खाना खाने आए थे वहीं पे। इट्स टी टाइम और यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और उसके बाद हम शायद अपने होटल रूम्स में चले जाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। सो सुबह के 11 बज रहे हैं और हमने अपने इस होटल से चेकआउट कर दिया है और अब हम जा रहे हैं वहीं पे जहाँ हमने कल खाया पिया था और उसके बाद हम दोबारा जाएंगे ब्रेकफास्ट करके, हम ओली के लिए निकल जाएंगे। फाइनली ओली जाएंगे, ओली घुमा पाएंगे आज हम। और आज भी यहाँ बारिश हो रही है और वी होप कि वहाँ पर स्नोफॉल हो रहा होगा ओली में। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा। आप देख सकते हो कितना अच्छा स्नोफॉल हो रहा है। हाय विनू, अभी हमारी पहुंची नहीं है, अभी ऑडी और ऊपर है और अभी कितना मजा आ रहा है हमें। यूहू, और ये हमारी कार फंसते हुए। The struggle is real, the struggle is real. इतना ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है यहाँ से ओली लाइक 5 किलोमीटर दूर है। हमें कल लगा था कि हम कवर कर लेंगे बट अब कार बहुत ज्यादा स्लिप कर रही है, मुझे नहीं लगता यहाँ से आगे कार जाएगी। गाइस, दिस इज हेवन ऑन अर्थ, लाइक दिस इज अ मस्ट विजिट प्लेस। लेकिन ये जीनियस है, ये कार बैक करके ऊपर चढ़ा रहे हैं। वी बोथ आर लाइक लिटरली एंजॉयिंग। अब शायद जैसे हमारी कार शायद स्टक हो जाए तो हम ओली में स्टे करें, मैं भी आज हम ओली में स्टे करें। बहुत मजा आ रहा है, लाइक आप जरूर आने हैं। यस, आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ गाड़ी को चढ़ाने की, बिल्कुल चढ़ नहीं रही है। तो उल्टा करके भी चला रही थी, तो बहुत अच्छे से जा रही थी। यो हीरो, यो हीरो, हमें आइडिया पीछे हटा दो। तो हम नीचे लेके जा रहे हैं अपनी कार को, थोड़ा नीचे, लाइक आई गेस आधा किलोमीटर नीचे हमने कार पार्क। वहाँ पे पार्किंग स्पेस देखा था, हम इसको वहीं पार्क करने वाले। बहुत स्केरी है स्कोर ऊपर ले जाना क्योंकि बहुत ज्यादा थिक लेयर, स्नो इतनी ज्यादा फास्ट हो रही है, लाइक हाफ एन आवर में हाफ फीट स्नो की लेयर बट एड ऑन होती जा रही है, आप देख सकते हो। गाइस, ट्रैक की तैयारियां, और मेरा फेस लगता है पूरा फ्रीज हो जाएगा। इतनी अच्छी स्नोफॉल में ट्रैक करते करते हालत तो खराब हो रही है लेकिन मजा भी बहुत आ रहा है।
कितना किलोमीटर चल के आए अभी हम मिनी? आई गेस हमने शायद 1 किलोमीटर भी कवर नहीं किया और हालत ऐसे खराब हो रही है. टायर्ड हां, टायर्ड फील हो रहा है बिकॉज स्लोप ऊपर है, एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है. ऐसा लग रहा है कि हम चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं. ऑली नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा थक गए हैं. ये ऑलमोस्ट आई गेस 3 फीट इंचेस बर्फ है. देखो और नीचे कितनी है, बहुत ज्यादा बर्फ है. हम खुद के ट्रैक्स बना रहे हैं, हमें नहीं पता हम कहाँ से जा रहे हैं, बट हमें ऑली पहुंचना है. यहाँ से 5-6 अभी भी बोल रहे हैं कि 5-6 भैया 5-6 किलोमीटर बोल रहे हैं. हाँ, तो हमने डिसीजन लिया है कि हम जीप करके वहाँ जाते हैं. हमने इतनी मुश्किल से एक जीप मिली है तो हमने कैसे मिस नहीं करना. हमें बैठ में तो गाइस फाइनली हम दोनों ओली पहुंच चुके हैं. जैसे तैसे हो, यहाँ बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है. अब थोड़ा सा ट्रैक करके जाना है. गाइस हम हाईएस्ट पीक पे पहुंच चुके हैं, गाइस इससे ऊपर पैरों से नहीं जा सकते. वी नीड चेयर कार. और बहुत ज्यादा फ्रीजिंग कोल्ड हो रहा है यहाँ पे, बहुत ठंड है. आप लोगों को लग ही रहा होगा देख के, हम यहाँ पे चाय पीने वाले हैं. हम यहाँ से और ऊपर नहीं जा सकते हैं, अब हम रिटर्न ले रहे हैं. बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है कुछ भी करने की, कोई स्कैंग कोई स्पॉट कुछ करने की हालत नहीं. हम लेक भी नहीं जा रहे हैं, इट्स फ्रीजिंग कोल्ड. बिल्कुल फ्रीज हो चुके हैं, हम रिटर्न ले रहे हैं. सो होपफुली अब लेट्स सी हम होटल कहाँ पे लेते हैं, हम नीचे उतरते हैं. हाँ भैया, सी यू. सो गाइज हम आ गए हैं ओली से नीचे. अब मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ, मेरे पैर बहुत ज़्यादा फ्रीज हो गए थे, हाथ भी बहुत फ्रीज हो गए थे. तो हम आ गए वापस अपनी कार पे, विनी अभी कार पे अंदर है और बस हम नीचे जा रहे हैं. दोबारा एक होटल करते हैं, वहाँ रुकते हैं. वी आर प्लानिंग कि हम कल दोबारा आएँ क्योंकि कल स्नोफॉल नहीं है, कल बहुत अच्छा सनी डे होने वाला है. तो सनी डे में बहुत ईजी होता है मतलब ट्रैक करना, हर बर्फ में इंजॉय करना, क्योंकि स्नोफॉल हो रहा है और स्नोफॉल के टाइम पे तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है. लाइक मनाली में मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, यहाँ तो मेरे साथ बहुत एक्सट्रीम हुआ था. मैं बीच में बिल्कुल गायब हो गई थी, स्टक हो गई थी, उससे कुछ बोला ही ना था. बहुत बेटर हूँ, बहुत अच्छा फील हो भी रहा है. अब जा रहे हैं फाइनली अपने होटल रूम और फिर हम देखते हैं क्या प्लान करते हैं, कल दोबारा आते हैं या नहीं. लेकिन ये प्लेस बहुत सुंदर है. अब जाते हैं कुछ खाते हैं, होटल रूम्स में जाते हैं. ऊपर जाओ जाते हो गए ठीक है. फाइनली आज हम कुछ एडवेंचरस कर रहे हैं. स्कीइंग जो हमें बिल्कुल नहीं आती है, और उसको चलना, उसको पहन के पैर बहुत ज्यादा बहुत डिफिकल्ट है. मेरे पैर क्यों मुड़ रहे हैं, सेम है मेरे पर, बहुत रेडे हो जा रहे हैं.
Come on, Kiki. ये मोती गिर गया. Very good. बहुत मजा आया स्कीइंग करने में. एक बार भी नहीं गिरोगे शायद, एक दो बार गिरोगे, एक बार भी नहीं गिरे. हम बिल्कुल मन नहीं जाने का, बट क्लोजिंग टाइम हो गया, ये क्लोज कर रहे. इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ. और ये इन्होंने हमें इतनी हेल्प की है. ये है चट्टान, चट्टान से अभी ऊंट पटाक से. इसने हमें बहुत हेल्प की है. बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा है. यहाँ पे आप आओगे ना कभी तो आप उसको जरूर मिलना. हाय बोल दो सबको. हाय बोल दो. We hope you guys like this video. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye-bye.